आप लोगों से कहूं कि आज आपको कुछ भी नहीं खाना, फास्टिंग या उपवास करना है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको एक बूंद भी पानी नहीं पीना, तो अधिकतर लोग बोलेंगे कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं। बहुत कम लोग बिना पानी पिए व्रत या उपवास कर सकते हैं। तो जब शरीर को बिना खाना पानी के तकलीफ होती है, तो हम अपने आत्मा को उसकी खुराक से वंचित कैसे कर सकते हैं? कभी सोचा है कि हम अपने शरीर को तो खाना देते हैं, पानी देते हैं, उसको फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मन को एंटरटेनमेंट या मनोरंजन देते हैं, अपनी इंद्रियों को भोग वस्तु दे देते हैं, जैसे कि अपनी आंखों को कुछ अच्छा दिखाते हैं, अपने नाक से कुछ अच्छी सुगंध लेते हैं, अपने कानों को अच्छा म्यूजिक या गाना सुनाते हैं, अपनी जीभ को अच्छे अच्छे पकवान देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी आत्मा को क्या दे रहे हैं? क्या उसे भूखा प्यासा तो नहीं छोड़ रहे? अब आपके मन में आएगा कि आखिर आत्मा को किस चीज की जरूरत है? आत्मा थोड़ी ना कुछ खाती है या पीती है। लेकिन हम सब भी ये जानते हैं कि आत्मा के बिना ये शरीर कुछ नहीं। हम अपने शरीर को तो सजा कर रखते हैं, लेकिन आत्मा के बिना ना शरीर है, ना हमारी इंद्रियां, कुछ भी काम नहीं करती। और फिर भी हमने आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो ये तो मूर्खता है ना। असल में आत्महत्या क्या है? आत्महत्या शरीर की हत्या नहीं है, वो तो आत्मा की हत्या है, जिसे हम परमात्मा से दूर रख रहे हैं। जो लोग दिन भर केवल भौतिक दुनिया में लगे हुए हैं, यानी खाना पीना, ऑफिस जाना, मौज मस्ती करना, सोना, और परमार्थ यानी अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते, ऐसे लोगों को हमारे शास्त्र में आत्महा कहा है, जो लोग अपनी ही आत्मा की हत्या कर देते हैं। तो अब ये जानते हैं कि क्या करने से आत्मा को पोषण, शक्ति और बल मिलता है। जैसे शरीर को खाने से, मोबाइल को चार्जिंग से शक्ति मिलती है, बल मिलता है, उसी तरह आत्मा का खाना है सत्संग और पानी है भगवान का नाम जप। ये करने से आत्मा परमात्मा के नजदीक जाती है और उसे शक्ति मिलती है। वरना तो हम सब ने देखा है कि भोग करते करते, यानी कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज एंजॉय करने में लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सत्संग में भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करना, वैदिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण पढ़ना और हरिनाम का जप करना, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आत्मा का खुराक है। ये करने से आपकी आत्मशक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जीवन के संघर्ष में आप सफल होते हैं और अंततः भगवान के धाम भी लौट जाते हैं। तो सब कुछ करते हुए क्यों ना आत्मा के पोषण के लिए भी कुछ समय निकाला जाए। तो आशा करते हैं कि आज के विषय पर अमल करते हुए आपका शरीर, मन और आत्मा एकदम हृष्ट पुष्ट रहे। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।